प्लीज क्या प्रॉब्लम क्या है जल्दी जल्दी बताइए, हमें और भी काम है। तो सुनिए मैडम, मधु सब तैयार है? हाँ सब तैयार है। देखो 7:45 हो गई है और 5-10 मिनट के अंदर हमें सब खाना खा लेना है, सारी खिड़की दरवाजे भी बंद करने, जल्दी करो जल्दी। एक मिनट, नहीं 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 हम समझे नहीं, ऐसा क्या हो जाता है कि 8 बजे बाद आपको अपने ही घर में मास्क लगाना पड़ता है? मैडम 8 बजते ही हमारे पड़ोसियों के घर पे वो मांस मच्छी मटन सब बनना शुरू हो जाता है। ढंग से और जो उसकी बदबू हमारे घर तक आती है ना, खाना पीना तो छोड़िए, हमारे लिए सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। मैडम जी क्या कहूँ मैं, अब आप ही कुछ कीजिए मैडम, इस टॉर्चर से हमें बचाइए मैडम, अब हमसे और ना सहन नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम कुछ करते हैं, हम बात करेंगे आपके पड़ोसियों से। क्या नाम है उनका? नीलेश कुमार मैडम। ठीक है चीता, नीलेश कुमार और उनकी फैमिली को थाने बुलाइए, उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, ठीक है? जी मैडम, थैंक यू मैडम। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट क्या दिक्कत है? अरे मैडम थोड़ा साफ सफाई रहे तो अच्छा रहता है ना, काफी बिखरी हुई थी आपकी टेबल, ये देखिए। नहीं हमको ऐसा बिखरा हुआ ही अच्छा लगता है, हमें प्रॉब्लम हो जाता है जब बहुत ज्यादा परफेक्शन हो जाता है, समझ रहे हमारी बात को? हमारा टेबल है ना, आपको क्या दिक्कत हो रहा है, आप शांति से बैठिए। मैडम आप गुस्सा मत कीजिए, वो इनको साफ सफाई की बीमारी है, वो ऐसा कुछ भी बिखरा हुआ देखता है ना तो वो खुद ही ऐसे साफ सफाई करने लग जाते हैं। वो कौन सी बीमारी कहते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। हाँ मैं यही कह रही थी, ओसीडी, इनको ओसीडी की बीमारी है। रॉन्ग प्लेस यहाँ क्या करो, यहाँ से यू टर्न लेना, आगे 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 से लेफ्ट। क्या आगे किथे? मतलब पार्क है वहाँ, जॉगिंग करना है ना आपको? ओए हमें पता है, और हमने ना ये कपड़े जॉगिंग के लिए नहीं पहने, मजबूरी में पहने हैं जी, इसलिए हम ये जॉगिंग वाले कपड़े पहनते हैं ताकि हमको भागने में आसानी रहे, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता इनका कुत्ता कब कहां से आके हमको काट खाए। लेकिन ये क्या है? ए बाप रे, सिर्फ चटनी, समोसे नहीं है, समोसे कहां है? और तो और, प्रतिदिन हमारे प्रभात का प्रारंभ इसी तरह होता है, इनके कुत्ते के दुर्गंध युक्त उन्माद के दर्शन से। उन्माद? व्हाट इज उन्माद? पट्टी। पट्टी? अच्छा तो हम रोज सुबह अपने उन्माद के लिए उन्माद गृह जाते हैं। तो ये कुत्ते का उन्माद उठाए हो तब से हाथ में, चटनी समझ के चाटे नहीं शुक्र है। जी महोदया जी, अब क्या बताएं? इनके कुत्ते ने हमारे जीवन को नरक बना कर रख दिया है। कुत्ता मत बोलो, रोमियो नाम है उसका। प्रतिदिन जब भी हम घर से निकलते हैं यही भय लगा रहता है कि पता नहीं इनका कुत्ता किस दिशा से आए और हमारे शरीर के किस अंग का स्वाद चाट ले। अब देखें कल की बात है, हमारे पतिदेव के पुष्ट भाग का क्या क्या हाल बना रखा है। पुष्ट भाग? इनके पुष्ट भाग का इतना बड़ा भाग काट लिया है, अरे दिखाइए ना, दिखाइए। नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए। क्या है पुष्ट भाग उन्माद? मैडम जी झूठ बोल रहे हैं ये लोग, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे रोमियो पर। अरे यही तो हम भी कह रहे हैं मैडम जी, इनकी वाइफ ने काटा होगा उनको। अरे हम क्यों काटेंगे, और काटेंगे भी तो उनका पुष्ट भाग क्यों काटेंगे, हम कुत्ते हैं क्या? अरे कुत्ता कुत्ता क्या लगा रखा है, रोमियो नाम है उसका, खबरदार जो इसको कुत्ता कह के बुलाया है तो। सही है, इनका कुत्ता हमें काट खाए वो कुछ नहीं, और हम इनके कुत्ते के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वाह ऐसे कैसे हो सकता है? ए, तू तो चुप कर, नहीं तो दूंगा भी एक। देखा आपने, देखा जैसा मालिक वैसा कुत्ता। अरे मैडम इन्होंने एक बार नहीं कई बार मेरे रोमियो को नॉनवेज खिलाने की कोशिश की इन्होंने। अरे वो तो हमारे रोमियो ने इनके नॉनवेज को मुंह नहीं लगाया, वरना इन्होंने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया था। अबे जा झूठे, अबे तू जा पापी। पापी किसको बोला? इसको बोला और किसको बोला? अरे तुम पापी हो, आज हम पापी हो। अरे
कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग इस मोहल्ले में? जी दादा परदादाओं के जमाने से रह रहे हैं, मैं तो पैदा भी ऐसे हुआ थी। और तब इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते थे? मैडम हमारे रोज रोज के झगड़ों को देखकर मोहल्ले वालों ने हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बना दिया था, जिसके अनुसार 8 बजे तक हम अपना खाना खा लेंगे और उसके बाद ही अपना वो गंदा नॉनवेज बनाएंगे। हाँ तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है महोदया जी कि हमारे पारिवारिक चिकित्सक ने इनका स्वास्थ्य देखते हुए कहा कि रात्र भोजन हमें संध्या पूर्व ही करना है। अब ये संध्या पूर्व भोजन करेंगे तो बनेगा भी संध्या पूर्व ही ना, तो इसमें हमारी क्या त्रुटि हुई, हम क्या करें? दूसरे डॉक्टर की तलाश। देखिए हमें नहीं लग रहा है कि ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा है जितना बवाल आप लोग मचा रहे हैं। 8 बजे वाला अग्रीमेंट एकदम ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1 घंटा पहले खाना खा लेंगे तो, टंडा खत्म हो जाता है, क्या कहती मैडम? बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा सिंह। और आप दोनों प्लीज ध्यान रखिए कि आज के बाद आपका कुत्ता रोमियो किसी और पर अटैक ना करे, संभाल कर रखिए उसे। ओके ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। थैंक यू। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी? अरे जो करना है यहाँ आके कीजिए, यहाँ मोहल्ले में तो घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, बहुत बड़ा दंगल होने वाला है, मैं बोल देती हूँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे... जल्दी आइए आप यहाँ पे। एक मिनट, इंसान ही है ना आप लोग, अरे ऐसे तो जानवर भी नहीं लड़ता है सब। कोई टोपागिरी नहीं चाहिए अब हमें, अगर किसी ने एक शब्द और बोला तो गोली दाग देंगे उसके दिमाग में, सच बता रहे हैं अब। क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई समझाएगा हमको? ओ, देखो मैडम जी हुआ ऐसे है, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, ये लीजिए दही शक्कर खा लीजिए, शुभ होता है। और जी बस मैं ना इनके कुत्ते की शिकायत लेके इनके पास गया, पर ये तो कुत्ते से ज्यादा काटने के लिए दौड़ रहे हैं। और मैडम जी एक बात आप समझ लीजिए, एक नंबर का मक्कार आदमी है ये, झूठा एक नंबर का, इंसानियत इतनी सी भी नहीं है इसके अंदर, मेरे बेजुबान बच्चे के पीछे डंडा लेके भागा था, देख ली इसकी जहालत। हाँ तो क्या आरती उतारू तेरे कुत्ते की? भाई साहब आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे रोमियो को कुत्ता मत बुलाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोल देती हूँ। बोलूंगा, एक नहीं हजार बार बोलूंगा, कुत्ता। ओए चुप कर जा तू, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हो गया बकैती हो गया, ले जाए क्या सबको थाना में, तब समझोगे? हाँ मैडम सर ने बोला था कि कोई टोपागिरी नहीं होनी चाहिए, फिर से आप लोग बकलौली कर रहे हैं, चूरनगिरी कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं बात को। तो अब हम एक काम करेंगे, अगर फिर से ये मुर्गा लड़ाई हुई ना तो मैया कसम बता रहे सबको थाना ले जाएंगे, शहर की शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में हम बता रहे हैं, समझ गए साहब? और हमारा विनय भंग हुआ है उसका क्या? तुम शांत रहो, सॉरी बोलो। और आप अपने दिमाग को ठिकाने पे रखिए, और इनके कुत्ते को टच भी किया तो देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ सही है, इनका कुत्ता काट ले वो ठीक है, ऐसी कुछ बोली भी नहीं। कुछ बोला आपने? बड़बड़ा के मन हल्का कर रहे हैं मैडम। तो घर में जाके बड़बड़ाइए, कटिए। चलो महोदया जी एक मिनट, हमें अपने पड़ोसी रोहित नामक व्यक्ति के खिलाफ एक अभियोग दर्ज करना है। क्या 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 दर्ज करना है? अभियोग। अभियोग? योग से अभी क्या होगा? शिकायत, उसका मतलब शिकायत होता है। हाँ तो शिकायत तो हो चुका है ना एक दूसरे के खिलाफ, वो तो कर दिया ना शिकायत। अरे नहीं नहीं वो अभियोग नहीं, एक दूसरे अपराध के खिलाफ। बताइए क्या अपराध है? हिंसा का। इन्होंने जानबूझकर हमें धक्का मारा और नीचे गिराया और हमें चोट पहुंचाने की कोशिश की।
मैडम जी मुझे भी इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, ये नीलेश कुमार के खिलाफ। इसने भी मेरी बीवी को धक्का दिया था और हिंसा करने की कोशिश करी थी। हाँ मैडम, इसने भी हिंसा करी थी इनके खिलाफ। मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी के साथ ही, तेरी बीवी ने पहले कंप्लेंट तूने किया था। अरे जा, अरे जल्दी आ, फिर मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा तेरी बीवी। मैया की सासू मैया, दोनों को गिरफ्तार करो और थाने लेके चलो। चल 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 उधर लाना। देखिए डेलिबरेट क्राइम के बेसिस पर इन दोनों के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। इन दोनों पर इल्जाम है कि इन्होंने दो औरतों को छेड़ा है, फिजिकली उन्हें असॉल्ट करने की कोशिश की है, इसलिए हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। देखिए अगर कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर आता है तो अलग बात है, वरना हम तो इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और एक रास्ता है, अगर ये दोनों अपना कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो ये केस अभी खारिज हो जाएगा और ये दोनों अभी रिहा हो सकते हैं। ठीक है, हम अपना अभियोग वापस लेने के लिए तैयार हैं। मैं भी। ठीक है फिर मैडम, एक काम कीजिए, आप ना यहाँ पर साइन कर दीजिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप लोग अपनी मर्जी से अपना शिकायत जो है वापस ले रही हैं और इन लोग पर आए कोई कार्रवाई ना किया जाए। क्या हुआ? ये कलम नहीं चल रही। अरे ये सब बहाने हैं जी, इनका केस वापस लेने का कोई इरादा ही नहीं है, हमसे पूछिए। तो मैं भी कौन सी साइन करने के लिए मरी जा रही हूँ? जब तक ये साइन नहीं करेगी मैं भी साइन नहीं करने वाली। अरे अरे शीला क्यों करे पहले साइन, गलती तुम्हारी है, तू कर पहले साइन। ओए होए 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 होए, बड़ी आई गलती वाली। एक तो हम केस वापस लेने के लिए तैयार हो गए और ऊपर से नखरे तो देखो महारानी के। मैं साइन नहीं करूंगी जब तक ये साइन नहीं करे। सबसे पहले आप हस्ताक्षर करेंगे, पहले तुम, पहले आप, पहले तुम, आप। अरे मधु, आप। अरे मधु कर दो, तुम कर दो पहले साइन। आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। अरे भाई मधु जी पहले साइन क्यों करें? वही तो। अरे हम क्यों करें साइन पहले? अरे हम भी हस्ताक्षर करेंगे। मधु जी चली जाए, मधु जी चली जाए, चलिए मधु चलो। अरे हमें कलम लेके गई। मैडम सर शीला जी का फोन था, उनको घबराहट हो रहा है, ऐसे अकेले रहने में ना डर रही है, वो मदद मांग रही थी। और थोड़ी देर पहले मधु जी का भी फोन आया था, उनका भी यही हाल है, वो भी डर रही है, घबरा रही है। कह रही थी कि कोई महिला पुलिसकर्मी उनके सुरक्षा के लिए अगर उनके घर पर हम लोग भेज सके ना तो उनको इसे सेफ फील होता। क्या करें मैडम सर? नहीं नहीं मैडम सर, हमें मत भेजिए उन झगड़ालू मुर्गियों के बीच में, वो बहुत झगड़ती हैं। हमारा पारा वैसे ही आपको पता है, मतलब हम संयम का बहुत कमी है हमारे अंदर, हम संयम खो देंगे, हम बवाल कर देंगे वहाँ पे, इसलिए हमें बख्श दीजिए उनसे। तो फिर और क्या करें करिश्मा सिंह, आप ही बताइए। महिलाओं का केस है इसलिए हम चीता और बिल्लू को तो भेज नहीं सकते। देखिए या तो आपको जाना होगा या तो हमें जाना होगा, यही एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। हालांकि हमारी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, हमें टेक्निकली उनके पास होना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं आपकी जगह। मैडम सर इसे ब्लैकमेल कहते हैं। इसे ड्यूटी कहते हैं करिश्मा सिंह। देखिए शीला और मधु हमारे शहर की एक आम नागरिक हैं, उन्हें सेफ फील कराना हमारी जिम्मेदारी है। ओके प्लीज। जी मैडम सर, आप अम्मी का ख्याल रखिएगा, हम जाते हैं ड्यूटी पे। जय हिंद मैडम सर। जय। हमने एक बार कह दिया ना करिश्मा मैडम हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी, बोल दिया ना बस बात खत्म। करिश्मा मैडम हमारे साथ हमारे निवास में रहेगी, हमें सुरक्षा की अधिक जरूरत है। अरे वाह, तो हमारे साथ क्या सेल्फी खिंचवाने आई है, हमें भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। करिश्मा जी हमारे साथ रहेगी, हमने कह दिया बस, हमारे प्राण अधिक संकट में है। तो हमारे प्राण क्या ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं? होश में आ जा, करिश्मा मैडम हमारे साथ रहेगी, एक बार बोल दिया ना बस बात खत्म। हमारे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी, मेरे साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी, मैंने बोल दिया ना बात खत्म। मैंने बोल दिया हमारे साथ रहेगी। चुप कर तू मेरा मां, चुप चुप बिल्कुल। कटिए आप सब, कटिए आप सब, कटिए। सबसे पहले एक शब्द और नहीं आना चाहिए मुंह से बाहर। कांटोपा गिरी लगा के रखी, हम दिमाग के गुब्बारे उड़ा के रख दिए हमारे।
क्या बारात में नहीं आए हैं हमें? हमें यहाँ भेजा गया आप दोनों की रक्षा करने के लिए, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक और शब्द निकलाना किसी के मुंह से और ये मुर्गागिरी यहाँ पर हुई ना तो बता रहे हैं आपको हवालात में डाल देंगे, फिर वहाँ करते रहना टोपागिरी, ये सब बता रहे हैं। शांत बिल्कुल अपने घर के अंदर जाइए, हम यहाँ बैठ के अपना ड्यूटी कर सकते हैं। कटिए शांत। बहुत मोटा मच्छर बैठा था यहाँ पर, तुम्हारा इतना खून पिया कि हमको डर हो गया सारा खून ना चूस जाए, इसीलिए मारे हम बाबू। सो जाओ। हो गया। सोने दे यार। ओ भैया जरा एक कपड़ा लेकर अंदर आ जाओ ना, ये देखो कितना कितना गंदगी है यहाँ पर, आपको मालूम है ना मुझे धूल मिट्टी गंदगी से कितनी प्रॉब्लम होती है। हेलो, आपको कह रहा हूँ, ओ टकले भाई साहब अंदर आओ, जरा सफाई कर दो यहाँ पर। टकला तेरा बाप, मुंडू तेरा दादा, मेरे बिल्लू निवास पे कब्जा करके बैठे हो और मुझे कह रहे हो बिल्लू निवास साफ करो, अरे तुम्हारे हाथ नहीं क्या कि तुम ठाकुर बने हो? ओ भाई साहब इसके हाथ हैं, लेकिन इसके हाथ ना बस मुझ जैसे मासूम बेचारे अबला नारे पे इल्जाम लगाने के लिए हैं। ओए तू तो चुप कर वरना ना तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। ये देख लो भाई साहब। हेलो, अंदर आके सफाई करो ठीक है, वरना ना मैं इतना चिल्लाऊंगा ना कि पूरी रात यहाँ पे कोई सो नहीं पाएगा। तू चिल्लाने के लिए मुंह फाड़ तो सही, मुंह ना फाड़ दिया तेरा मित्र। शांत शांत, ले लो कपड़ा और मार दो ना भीतरिया। नहीं आखिरकार किसका घर है ही? इनके बाद यहाँ पर कल से किसको रहना है? तुम ही को रहना है ना। अच्छा गुड बाय सर। इधर आओ, मार दो कपड़ा। तो क्या है ये, कास्तूस खाने वाला आदमी है, बीमार पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गुड बॉय गुड बॉय। बिल्ले मरवा रहे कपड़ा, मार दे बिल्ले, मार गुड बॉय। ये ले लो, तुम भी साफ करो। का मुसीबत है, का चूरन जैसे केस में फजीहत हो रहा है हमारा। चलो भैया थोड़ा आराम कर लिया जाए, यहाँ कौन सा बम विस्फोट होने वाला है। भाई साहब थोड़ा ऊपर लो ना, मटके के पास, हाँ वो बिस्तर के पास, बिस्तर बिस्तर, हाँ हाँ साफ कर दो अच्छे से। अच्छा सोना है ना इस पे? तुमको सोना? ए बाप रे, क्या हुआ? हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है इसको? वो जोर से याद किया है, क्या हुआ? ए, सांस अटकी है, सांस अटकी, सांस, ए निठल्ले चीते, चीते इसकी सांस अटक गई है। जनाब जल्दी जल्दी, चीते जल्दी अंदर आओ। हे इसको सांस दे, मुंह से सांस दे, नहीं तो इसके प्राण निकल लिए। अगर इनको कुछ इस थाने में हुआ ना तो तेरी नौकरी गई। जल्दी मुंह से सांस दे। बस कर रहे पोपला दानव, तुमको फर्श साफ करने के लिए भेजे थे, तुमको आदमी साफ कर दिया, क्या हुआ इसको? मुझे क्या पता क्या हुआ। ओए जी जी ए भाई, ओए सांस दे मुझे, हट, पानी लेके जा। नहीं एक मिनट, मुझे पता है क्या हुआ है। इसको ना बचपन से ही ऐसे एलर्जी का अटैक आते हैं, जब हम दोस्त थे ना तब भी इसको ऐसा होता था। मेरे पास इलाज है, इसकी जेब में ना हमेशा गोली रहती है, दवाई रहती है, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। चेक। इतने बड़े पत्ते में एक गोली, निकालो, खेलो। ओए गोली, वहां गिरेगा इसका मुंह, वहां नीचे। अच्छा बस
एक ही गोली थी। बाप रे, बचा के निकल लिया। बच गया। जी हाँ। थैंक यू दोस्त। खुश रहो, खुश रहो। मुझसे कह। तुमने मेरी जान बचाई अपने दुश्मन की। ओए दुश्मन भी पहला कभी दोस्त हुआ करते थे, समझा? हाँ, मैंने दुश्मन की नहीं अपने दोस्त की जान बचाई है। दोस्त? बचपन से? आजा, फिर मेरे गले लग जा मेरे दोस्त। ओ आजा मेरे दोस्त। आशा, आशा। राम भरत मिलाप हो रहा है। हाँ बस बस बस। लगता है इन दोनों का फिर से झगड़ा हो गया है। अब छोड़ेंगे नहीं इन दोनों को।